Assalamu alaikum nazareen, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. Main aapki host Aleena Haroon. Aaj hum kahan pe hain, guess kare ye lighting, ye mahol aur ye aapko to nahi aa rahi hogi mujhe mazey ki khushboo. Ji bilkul, aaj hum hain Fortar Square shopping mall mein, jahan pe koi bhi din ho, chahe weekend ho ya official day ho, रोज़ जो है बहुत ज़्यादा रश होता है. बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं. कुछ लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो है वो खाना खाने आते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मूवीज़ देखने आते हैं. तो कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोगों से जो है वो आज हम बातें करें, उनको लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत सारे इनाम दें, और उनका जो छुपा हुआ टैलेंट है जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उनको एक बहुत बेहतरीन मौका दें ताकि वो अपना टैलेंट सबको दिखा सकें और भूजो तो जीतो लाहौर न्यूज़ की तरफ से इनाम जीत सकें. और थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव, फॉर योर एप्रिसिएशन. जितना प्यार आप हमें करते हैं, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपकी जगहों पर आएँ, आपके इलाके में आएँ, आपके साथ बातें करें. जी वेल, नो डाउट लाहौर न्यूज़ ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और भूजो तो जीतो के ज़रिए आप लोगों को एक मौका दिया है. सो इस मौके को और मज़ीद लोग मत गंवाएं, जल्दी से आएं भूजो तो जीतो में और अपना टैलेंट दिखाएं. तो आएं लोगों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? महनूर. महनूर, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम लाहौर. लाहौर, ओके. किस क्लास में पढ़ती हैं आप? आई एम इन प्री 9th. P9, ओके. सो आज इधर कैसे आना हुआ? एक्चुअली हमारा गर्ल्स डे आउट था कज़न के साथ, तो वी थॉट वी शुड जस्ट ट्राई एंड कम हियर. ओके, वेरी नाइस. सो यू गाइस हैविंग फन? या ऑब्वियसली वी हैविंग फन. ओके, सो मुझे बताओ, आपसे मेरा क्वेश्चन है बेटा, 1 to 100 जो काउंटिंग है, इसको जब हम इंग्लिश में स्पेल करते हैं तो किस में ए आता है? इंग्लिश में स्पेल करें 1 to 100, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इनको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसमें ए जो है वो अल्फ़ाबेट कब आएगा? 1 में आएगा, 7 में आएगा, आपने इस तरह बताना. I think this question is not about a common sense, it's about a collection. You can count on your finger. 1, 2, 3. Okay, let me make it easy for you, okay? Okay. Just guess 1 to 10. 100 उतार दिया, अब 10 तक आप काउंट कर लो. 1. I don't know, मुझे नहीं लगता किसी में आता है. किसी में नहीं आता? हाँ पता नहीं, आई थिंक किसी में नहीं आता. राइट आंसर, क्लैपिंग करें अपने लिए. क्या सुनाएंगे? मेबी सम सॉन्ग. राइट नाउ आई एम इन अ स्टेट ऑफ माइंड, आई वांना बी लाइक ऑल द टाइम, एंड गॉट नो टियर्स लेफ्ट टू क्राई. So I'm picking it up, I'm loving, I'm living, I'm picking it up. Oh, I just want you to come with me, we're in another mentality, ain't got no tears left to cry. So I'm picking it up, I'm loving, I'm living, I'm picking it up, picking it up, loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we're turning it up. Wow! Very nice, beta. Kiska song hai ye? It's from Ariana Grande. Okay, nice. Lahore News ki taraf se aapke liye gift. Thank you. You're welcome. Ji, badi cute si ladki thi. Aur ye question jo hai ye bahut interesting hai, kyunki ye bahut waqai badi baat hai ki aap 1, 2, 2, 3, 4, yani ki aap 1 se leke 100 tak agar ginti gine aur usko English mein likhe to kisi bhi ek lafz mein bhi A nahi aayega. वेरी नाइस, ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने भी आपको प्रोवाइड की है. तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर जो है वो याद रखा करें, ज़िंदगी में आके काम आएगी, या मेरे प्रोग्राम में जब आपको मौका मिलेगा तो आप जवाब दें, आपके काम आ जाएगी. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? जोहा. जोहा, क्या करते हो आप बेटा? मैं ओ लेवल्स में हूँ.
Okay, very nice. आज मॉल में कैसे आना हुआ? वैसे ही मेरी एक फ्रेंड अमेरिका से आई तो उसके साथ ऐसे शॉपिंग के लिए आए थे. ओके जी, चलिए जी, आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी. मुझे बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल किस मुल्क में है? ओके, वह उस मुल्क का नाम आई से शुरू होता है. आई से आयरलैंड. सब आई वाले हैं, तो आप देखो आई वाले कौन से हैं. ईरान. ईरान में तो वो फूल ज्यादा होते ही नहीं. आई ओके, क्या शेयर करोगे? सॉन्ग. दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां. वेरी नाइस. अच्छा मुझे बताओ कि क्या चीज़ है आपको जो बहुत ज़्यादा खाने में पसंद है? फ्रेंच फ्राइज. ओह, कभी खुद बनाए हैं? बना लेती हूँ. उम्र क्या है? 30. मामा जाने देती हैं किचन में? मना नहीं करती. मैं इंडिपेंडेंट हूँ वगैरह करने के लिए. और बुरा क्या लगता है खाने में? टींडे. टींडे. आई डोंट नो व्हाई बट आई लव टींडे. आई डोंट नो व्हाई. अच्छा वो जो खासतौर से सलाद में होते हैं. चलें, नाइस सॉन्ग. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू सो मच. यू वेलकम जी. बहुत क्यूट लड़की थी, उसकी स्माइल बड़ी क्यूट थी. जैसे वो हंसती थी तो बेबी फेस बनता था. यार लिटरली आई डोंट नो, मैं जिससे बात करती हूँ वो कहते हैं उनको टींडे नहीं पसंद. आई लव टींडे, खास तौर से जब टींडे का और किसी भी जो है वो चिकन मटन के साथ उसका जो सालन बना होता है. अच्छा, पर एक शर्त है, टींडा जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पूरा पूरा होना चाहिए और सॉफ्ट भी हो मगर टूटा भी ना हो, इतनी परफेक्शन से बना हो. लोग नहीं सही बनाते, इससे बच्चों को भी सब्जियां जो हैं पसंद नहीं आते. लोग सब्जियां से उसकी शक्ल भी इतनी ब्लैक कर देते हैं और जो है उसको तोड़ फोड़ देते हैं. खाना खुश जायका तो खा के पता चलेगा, खाना जो है वो खुश शक्ल होना चाहिए. मेरी मामा कहती थी कि जब खुश शक्ल होगा तो आपका दिल करेगा ट्राई करने का, और खुश जायका इतना होना चाहिए कि उसके बाद छोड़ने का दिल ना करे. सो इस पे जो है वो फोकस करें तो आपके बच्चे जो है वो ज़रूर सब्जी खाएंगे. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? सादिया. आपका नाम? फहीम. क्या करते हैं आप? मैं ऑडिट में हूं, डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट. वेरी नाइस. आप क्या करते हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ. डॉक्टर है. कितना अर्सा हो गया शादी को? हमें 5 ईयर्स. 5 ईयर्स. इनकी एक बड़ी अच्छी आदत बता दें. इनकी ये है कि हमेशा सच बोलती हैं. और एक बुरी आदत? कोई ऐसे जगह खास नजर नहीं. आप बताएं. इनकी अच्छी बात यह है कि ये बहुत सपोर्टिव हैं और केयरिंग भी हैं. और बुरी बात यह है कि शॉपिंग बड़ी जल्दी 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 मुझे घुमाते, टाइम नहीं देते सही. आप आराम आराम से करना चाहती हैं? यस बिल्कुल. ये तो है, जल्दी में चीज़ पर घर जाके पसंद भी नहीं आती. एग्जैक्टली ऐसे ही है. तो आप टाइम दिया करें ना आराम. बस वो जल्दी की इन्फो होती है ना कि निकलना. अभी तो खैर हमें क्योंकि कल मेरी फ्लाइट थी तो इस वजह से जल्दी कर रहे थे. ओके चले दी. आज मॉल कैसे आना हो गया? आज ये है कि कल इनकी फ़्लाइट है तो कुछ इनकी शॉपिंग थी, उसके लिए हम इमरजेंसी में आए हैं. सुबह से निकले हुए, अभी तक हम काफ़ी टायर्ड हो गए हैं. पाकिस्तान से बाहर जाना है या पाकिस्तान? पाकिस्तान से बाहर चाइना जाना चाहिए. चाइना जाना है. कैसा लगता है आपको चाइना? कितना कैसा लगता है आपको चाइना? मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो आई होप सो कि आई विल एंजॉय. डेफिनेटली, बस खाना देख के खाइएगा. सबने ऐसे ही कहा है कि उसके वहाँ खाने का बहुत इशू है. बड़ा देख देख के खाइएगा. चलिए जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? मुझे बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन कर लेती हूँ आपसे, कि अगर डॉक्टर ने एक मरीज को 3 मेडिसिन दी हैं, हर एक गोली उसने आधे घंटे के बाद खानी है, तो 3 गोलियाँ वो कितनी देर में खाएगा? आधे घंटे में खाएगा. एक आधे घंटे बाद खानी, फिर आधे घंटे बाद खानी, फिर आधे घंटे बाद, तो डेढ़ घंटा. आप डॉक्टर हैं. हर गोली आधे घंटे बाद खानी है तो तीनों को खाने में कितना टाइम लगेगा? तो जी लॉजिकल, तीनों गोलियाँ एट अ टाइम वो खाएगा. नो, 3 मिनट्स या उससे भी कम. वैसे अगर ओहो, आप डॉक्टर हैं, आपने मुझे 3 मेडिसिन दे दी हैं, एक मेडिसिन आपने कहा आधे घंटे बाद खाना, फिर आपने कहा एक आधे घंटे बाद खाना, फिर एक आधे घंटे बाद खाना, तो तीनों को खाने में कितना टाइम यूज होगा? अगर हर गोली आधे आधे घंटे बाद खानी है तो
नहीं नहीं 1.5 आवर्स। आपने क्या कहा कि स्टार्ट में अभी मतलब जब इन्होंने प्रेस्क्राइब किया एक उसके आधे घंटे बाद? हाँ बस आधे आधे घंटे बाद इनका 2 आवर्स। या तो एट अ टाइम नहीं दी खाने को, एक अभी एक हाफ एन आवर बाद और एक घंटा, इसलिए कि एक तो अभी खा ली, एक उसने हाफ एन आवर बाद की, एक उसके हाफ एन आवर। वेरी नाइस, क्लैपिंग करें भाई इनके लिए, वेरी नाइस। क्या शेयर करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग जो हैं हम तब्दीली चाहते हैं, मगर कोई भी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हम ये चाहते हैं कि चीज़ें खुद खुद ठीक हो जाएं, हम चाहते हैं कि सफाई हो, मगर हम खुद जब रोड्स पर मूव कर रहे होते हैं तो हम चीज़ें ऐसे ही फेंकी जा रहे होते हैं, कोई रैपर है कोई चीज़ खाई तो हमने फेंक दी। तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें खुद को ऑनेस्ट करना चाहिए, खुद को क्लीन करना चाहिए और उसके बाद हमें दूसरों से एक्सपेक्ट करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट ऑल व्हाट आई वांट टू से। वेरी नाइस, एग्री। और आप? मुझे यही कहना है कि हम लोग जैसे मॉल्स पर हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्पेंड करते हैं कपड़ों पे, शूज़ पे, बट हम हेल्थ एडवाइस के लिए नहीं जाते। तो जो एक रूटीन की हेल्थ एडवाइस होती है, जैसे कि आपको हर एज के हवाले से कुछ आपको प्रोफिलेक्टिक मैनेजमेंट चाहिए होती है, तो उस वक्त हम नहीं जाते उनसे सीख करने के लिए। बस हम तब जाते हैं जब हम बिल्कुल ही एंड स्टेज पे बहुत ही ख़राब हालत होती है, हम रूटीन में डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, वो भी जाना चाहिए। यानी कि आपको के मंथली चेकअप्स वगैरह? नो सॉरी, ये ईयरली भी होते हैं, लाइक व्हेन यू आर 40 तो कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए, व्हेन यू आर 60 तो आपको करनी चाहिए, इस तरह भी आपको करना चाहिए। और दूसरा ये कि सफाई के बारे में, जैसे मैं भी बहुत कंसर्न हूँ कि हम लोग ऐसे ही, हमें सोचते भी नहीं है, मॉल्स में कुछ आपने फेंक दिया, कुछ भी रैपर आप कभी नहीं सोचते, और जहाँ दिल करता है आप वो फेंक देते हैं चीज़, तो सफाई का ख्याल रखना चाहिए। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए। यू वेलकम जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने और बिल्कुल सही जवाब आखिर दे ही दिया उन्होंने कि जब 3 मेडिसिन दी हैं तो एक जो है वो आपने खा ली उस टाइम, फिर दूसरी आप उसके आधे घंटे बाद खाओगे, दूसरी उसके आधे घंटे बाद खाओगे, तो टोटल टाइम जो है वो 1 आवर होगा। इट्स अ लॉजिक, तो आप जरा लॉजिकल होके सोचा करें। और दूसरा जो है वो ये था कि जो उन्होंने पॉइंट जो है वो कहती हूँ मैं रेज किया, बहुत अच्छा था, सड़कों पर गन्ना फेंका करें प्लीज़। अच्छा, जब आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं आप नहीं फेंकते ना, हो लोग क्या कहेंगे, सड़कों पे आप ये कहते हैं फेंक दो, कौन सा हमें कोई देख रहा है, कौन सा हमने गाड़ी पे पकड़े जाना है। बल्कि कभी कभी तो मैंने बड़ी जो मोटरवेज और जो हाईवेज होती हैं, मैंने वहाँ पे देखा है क्या करते हैं, बड़े बड़े शॉपर जो होते हैं यूँ फेंक देते हैं, बाइक वाला जा रहा होता है उसके फेस पर जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शाहज़ेब ज़फ़र। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ते हो? मैं बीकॉम पार्ट 1 में। ओके, आज मॉल कैसे आ गए? मॉल बस मैं ये जॉब भी करता हूँ साथ स्टडी के साथ, तो बस इसी सिलसिले में दोस्त के साथ। ओके, क्या जॉब करते हैं? मैं ज्वेलर्स की शॉप पे, एडीज़ ज्वेलर्स पे। ओके ज्वेलर्स, ठीक हो गया। कैसा जा रहा है गोल्ड का रेट? गोल्ड का रेट 56,322 कैरेट। ओके ठीक हो गया। चलिए जी, सवाल करें जी। मुझे बताएं 1 to 100 जो काउंटिंग जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो किस में अल्फ़ाबेट जो है वो ए आएगा? 100 में 1 to 100 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और आगे 100 तक, जब हम ये पूरी काउंटिंग इंग्लिश में लिखेंगे तो ए कितनी दफ़ा आएगा? 1 to 10 तक तो कोई भी नहीं आता, उसके आगे बताओ।
की ना कीता यार ने एक यार वास्ते रब महफिला सजाइया ने सरकार वास्ते अल्लाह हुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वेरी नाइस, जजाकल्ला। ये ब्रॉच बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? ये दोस्त ने गिफ्ट किया था। माशाल्लाह, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गया। थैंक यू। यू वेलकम। जी नाज़रीन, बड़ा मज़ा आया, हमने इनसे बात की और जो है वो उन्होंने नात पाक जो है वो शेयर की। तो बिल्कुल जो है वो आप नात लाजमी आके शेयर किया करें और ये ना कहा करें क्या मैं कर सकता हूँ। यस यू कैन गाइस, जिसने नात पढ़नी है वो ज़रूर आए पढ़े, क्योंकि मैं पहले भी 10 दफ़ा बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि मुझे सबसे अच्छा ही तब लगता है जब मैं नात सुनती हूँ। तो खैर, आज मॉल में जो है वो अब बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है, क्योंकि ये सीज़न जो है वो शादियों का है। इस सीज़न में जो सबसे ज़्यादा शादियां होती हैं मोस्टली, तो ये शादियों का सीज़न है। अब हर कोई जिसके घर में शादी है वो भी बाहर निकला हुआ है शॉपिंग करने के लिए, और जिसने शादी पर जाना है वो भी निकला हुआ है कि कपड़े क्या बनाएं। अब कहते ना, भाग रहे हैं लोग आगे पीछे। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो अभी मैं ब्रेक पर जाती हूँ और फिर वापस आती हूँ। सो लेट्स हैव अ ब्रेक।